जहानाबाद में हुई झमाझम बारिश से राजा बाजार स्थित बाजार समिति में लगभग 2 फीट तक पानी जम गया। बारिश का पानी जमा हो जाने के कारण व्यापारियों का हाल बेहाल है। हालत ये है कि लोगों की दुकानों तक पानी पहुंच गया है, जिससे व्यापारियों को फल और सब्जियां खराब होने का डर सता रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कुछ लोग घंटे हुई हल्की बारिश से बाजार समिति में पानी घुस गया है, तो अगर जोरदार बारिश हुई तो क्या होगा? है कि अगर कस के मूसलाधार बारिश होगा तो गोदाम में पानी हिलेगा, इससे पूरा बिजनेसमैन चौपट हो जाएगा। इसको सोच समझ कर जल्द से जल्द सरकार फैसला करे क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं तो हम लोग को मंडी छोड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से। ये जहानाबाद का मेन मंडी है, क्या बिजनेस पे असर आप लोगों को पड़ा है पहली बारिश में? पहली बारिश में देखें ना क्या हाल हुआ। हल्का बारिश में यह हाल है, अगर पूरा जम के बारिश होगा तो गोदाम में पानी हिलेगा, लाखों लाख के क्षति हो सकता है। क्या आप लोग मंडी छोड़ के भागने के कगार पे हैं? हम लोग को यह स्थिति रहेगा तो यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। और यहाँ पे फल मंडी है, कैसे आप लोग का बिजनेस चल रहा है? बिजनेस हम लोग के आने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर, हम लोग के फल भी नहीं लेने बनता है, लेने जाने में नहीं बनता है, सब पानी भरा हुआ है। इतना इतना पानी में हल के आते हैं जाते हैं, इतना कादो हो गया है, पानी हो गया है, बाजार समिति राजा बाजार। तो क्या स्थिति है आप लोगों की? कैसे हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं, और क्या कमाते खाते बहरा का। व्यापारी ने कहा कि पानी जमा होने से व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है, फल भी सड़ने लगे हैं। आम का सीजन है, खरीदार पानी में घुसकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। क्या हाल है, क्या स्थिति? बाजार समिति फल मंडी जहानाबाद का है, हम बाजार समिति के जो है व्यवसायी है। ये बरसात का पहला बरसात है, और पहला बरसात में ही पूरे मंडी में पानी भर गया है। अगर दूसरा पानी अगर होता है तो हम लोग का जो है पूरा दुकान उकान में पानी भर जाएगा, कहीं जो है निकलने का कोई साधन नहीं है, और ना हम लोग माने कहीं पर रख करके बेच सकते हैं। इसीलिए हम लोग का जो है माने ऊपर अधिकारी से मांग है कि भाई थोड़ा जो है इसको माने किसी तरह पानी का निकासी का व्यवस्था किया जाए, जे माने ये दूसरा तीसरा पानी में हम लोग डूबने से बच सके। और देख लीजिए कहीं से जो है रास्ता लेबर सब जो है हड़ताल कर दिया है कि कहीं हम ढो नहीं सकते हैं, तो मतलब बुरा हाल हो, एकदम बुरा हाल है। देखिए क्या रोजी रोटी पे क्या असर, रोजी रोटी का हम लोग 2 बरसात में कम से कम जो है 10 लाख से ज़्यादा का नुकसान है मंडी वाला को। टोटल फल जो है, आम का सीजन है, आम सर करके फेंका गया है। अगर कहिए तो उधर जो है देख लीजिए थोड़ा कैसे फेंका हुआ है, चारों तरफ जो है पका हुआ आम जो है सर सर के फेंका रहा है, इसीलिए कि कोई खरीदने वाला आ नहीं रहा है पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह। व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद जिस तरह से हम लोगों से टैक्स लेती है, उस तरह से अगर साफ सफाई और जल जमाव के प्रति सजग रहती तो आज स्थिति ये नहीं होती। हल्की बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल कर रख दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।